सब्सक्राइब कीजिए डिवोशनल स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं डिवोशनल स्टडी। आज डिवोशनल स्टडी में हम लोग बात करने वाले हैं एमडीएल के अंदर स्पिनर के बारे में, जो लोडिंग स्क्रीन होती है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमडीएल के अंदर स्पिनर के बारे में। तो क्या होता है स्पिनर, आइए वो जानते हैं। तो एमडीएल क्या करता है, बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब तक हम लोग इतने ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग ये सीख चुके हैं कि बहुत सारी क्लासेस हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं और जिनका एक यू नो प्री डिफाइंड विजुअल हमको मिला ही हुआ है। हमको बस उनका नाम यूज करना है और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट हम यूज कर सकते हैं, यानी कि उनका बिहेवियर, उनका विजुअल इफेक्ट, एवरीथिंग वी कैन यूज इट राइट। एंड उसको डिस्प्ले करा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साथ। सेम चीज एप्लीकेबल है हमारे स्पिनर्स के साथ भी जो एमडीएल के अंदर आते हैं। स्पिनर्स में भी काफी सारे विजुअल और एनहांसमेंट या बिहेवियर एनहांसमेंट दिए गए हैं जिसको हम लोग डिस्प्ले कराते टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्लासेस हैं। जैसे कि पहली बात करते हैं हम लोग एमडीएल स्पिनर। अगर हमें एमडीएल स्पिनर यूज करना है तो हमें इसकी मेन क्लास एमडीएल स्पिनर को यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये आइडेंटिफाई करती है कि ये एक पर्टिकुलर वो एक कंटेनर बना देगी जिसके अंदर हम एमडीएल स्पिनर के कंपोनेंट्स और उसकी रिक्वायर्ड क्लासेस को यूज कर सकते हैं। अगर हम एमडीएल स्पिनर नहीं लगाएंगे तो इससे रिलेटेड क्लासेस भी हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा आता है एमडीएल जेएस स्पिनर, यानी कि जो आप इसमें मोशन देखेंगे या जो आप एनिमेशन देखेंगे वो एनिमेशन का काम बेसिकली ये जेएस स्पिनर क्लास करती है। ये क्या करती है कि ये बेसिक बिहेवियर को स्पिनर में अप्लाई करती है, ठीक है। इज एक्टिव इसके बाद आती है, ये तो बेसिकली रिलेटेड है सीएसएस से ही, यानी सीएसएस मेनली यूज होती है। ये एनिमेशन को दिखाने के लिए, यानी कि कौन सा एनिमेशन करेंटली काम कर रहा है उसको दिखाएगी, यानी एक्टिव कौन सा है एट दैट पर्टिकुलर यू नो करंट टाइम पे। सो इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आता है एमडीएल स्पिनर सिंगल कलर, यानी कि सिर्फ सिंगल कलर में हमें यूज करना है तो हम सिंगल कलर क्लास यूज करेंगे। अगर हमें डिफरेंट कलर यूज करना है तो उसके लिए भी हम देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अब बात करें कोड की, तो मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली कोड पे। तो कोड में जाते हैं और चलाते हैं हमारा कोड। सो आप देख सकते हैं ये हमारी स्क्रीन है। अब इसके अंदर हमको बात करनी है एमडीएल स्पिनर कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बनाऊंगा बॉडी टैग, ठीक है। बहुत इजी सा ट्यूटोरियल है, कुछ इसमें ज्यादा मैं हॉच पॉच करने भी नहीं वाला, तो बहुत इजी सा ट्यूटोरियल। जैसे मैंने बताया हमें अगर एमडीएल स्पिनर यूज करना है तो हमें उसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं स्पिनर एग्जाम सॉरी डिव बना देते हैं या H1 दे देते हैं H3 दे देते हैं। चलिए ठीक है, इसके यहां दे देते हैं स्पिनर क्लास। ऑलराइट, अब इसके अंदर हम बात करें तो अब हमें यूज करना है स्पिनर, तो उसके लिए हम बनाएंगे डिव, ठीक है। डिव के अंदर अब इसके अंदर हम क्लास दे देंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया ही अगर स्पिनर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें क्लास यूज करने की नहीं पड़ेगी एमडीएल स्पिनर नाम की, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्लास है जिसकी हेल्प से हम स्पिनर को लगा सकते हैं। अगर हमें उसमें एनिमेशन दिखाना है तो उसके लिए हमें एमडीएल जेएस स्पिनर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अब अगर मैं चाहता हूं जो स्पिनर मेरा काम कर रहा है वो उस टाइम करंटली एक्टिव रहे, तो उसके लिए मुझे एक्टिव क्लास यूज करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम क्लासेस हटाएंगे तो क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके साथ साथ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने क्लास तो इनिशिएट कर दी, अब हमें कौन सा स्पिनर यूज करना है वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे H2 ये दिखाने के लिए कि ये सिंगल है कि मल्टी कलर है। सिंगल कलर लिख देते हैं। ऑलराइट, सो अब इसके अंदर फिर से हमें एक डिवीजन बनाना पड़ेगा, तो मैं डिव क्लास फिर से इनिशिएट करूंगा और इसके अंदर मैं दूंगा क्लास। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया हम लोग स्पिनर को यूज कर रहे हैं तो हमको एमडीएल स्पिनर यूज करना पड़ेगा, देन एमडीएल स्पिनर। अब अगर मैं सिंगल क्लास सिंगल कलर यूज करना चाहता हूं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सिंगल -हाइफन कलर, ठीक है। और साथ में हमें एमडीएल जे स्पिनर और इज एक्टिव देना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट,
तो एक ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद हमें अगर ऑलराइट, तो चलिए पहले इसको रन करके देख लेते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। सेव करता हूं मैं और मैं अपने कोड में जाऊंगा, तो मैं इसमें आपको लेके जाता हूं। ये हमारा टेक्स्ट ऑफ व्यू, इसके अंदर आते हैं एमडीएल फोल्डर के अंदर, और ये हमारा कोड है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ स्पिनर इस तरह का आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है वो भी मैं बताता हूँ। चलिए तो वापस कोड में जाते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इस डिवीजन को हटा देता हूँ, ऑलराइट, और सेव कर देते हैं। उधर से मैंने क्लास हटा दी है, अब इसको रीलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली मैंने जो पहला स्पिनर था, पहला हमारा जो डिवीजन था, इनिशियल जो मेन डिवीजन था, मैंने उसके अंदर क्लास यूज करी, तो इस वजह से वो डिवीजन भी मूव कर रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मेरे को स्पिनर के अंदर ये सिंगल कलर यूज नहीं करना, तो मैं ये क्लास हटा देता हूं और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रीलोड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मल्टी कलर आ रहे हैं, मतलब कलर चेंज हो रहा है स्पिनर का। तो इस हिसाब से आप कलर की क्लास को भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मल्टी कलर और सिंगल कलर दो दो भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हैव अ नाइस डे गाइस, कीप कोडिंग।